पोलैया हाट अंतर्गत स्वास्थ्य उपकेंद्र में किया गया निरीक्षण। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोलैया हाट अंतर्गत पिंडरा हाट पंचायत में स्वास्थ्य कैंप निरीक्षण के दौरान प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक अभिषेक कुमार ने चल रहे गहन जांच जन स्वास्थ्य सर्वे सप्ताह कार्यक्रम का निरीक्षण के दौरान रघुनाथपुर देवदाड़ एवं पिंडरा हाट उप स्वास्थ्य केंद्र में किया, जिसमें एएनएम अंबिका कुमारी के द्वारा 53 व्यक्तियों को 40 वर्ष से ऊपर वाले का कोविड-19 जन स्वास्थ्य सर्वे सप्ताह के तहत स्वास्थ्य जांच किया गया। कार्यक्रम के दौरान सहाया साथी सहाया पोषण सखी सेविका मौजूद थी, जिसमें डायबिटीज जांच, ब्लड प्रेशर, बुखार, सर्दी, खांसी, सांस संबंधित रोग, मोटापा इत्यादि जैसी बीमारियों का स्क्रीनिंग किया गया। बीपीएम के द्वारा बताया गया कि सहाया के द्वारा पूर्व में ही सभी घर में जा जाकर सर्वे का कार्य कर एएनएम को रिपोर्ट सौंप दिया गया। दिनांक 23/6/2020 को सिंध बांक आंगनबाड़ी केंद्र में एवं 24/6/2020 को परगोड़ी आंगनबाड़ी केंद्र में स्वास्थ्य केंद्र कैंप लगाकर चिन्हित लोगों को स्वास्थ्य जांच किया जाएगा। समाचार आज तक के लिए दीपक ठाकुर की रिपोर्ट। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ किशोर पंडित। आप यहाँ पे आए हैं क्या चीज के लिए आए हुए हैं? मुझे सहिया से मालूम हुआ कि आज 22 तारीख है, डॉक्टर आ रहे हैं स्वास्थ्य केंद्र में, तो यहाँ पर बीपी जांच होगा। शरीर के अंदर में अनेक प्रकार की बीमारियाँ होती है, तो आपको जो जो शरीर में कष्ट है आप डॉक्टर को बताइए, डॉक्टर आपका जांच करेगा, इलाज करेगा, आपका कंप्लेन ऊपर जाएगा अगर कोई तरह का तकलीफ है तो। तो आप कहीं बाहर से आए थे? नहीं, मेरा जिससे कि आपको आपके क्षेत्र में और स्वास्थ्य के प्रति लोगों के प्रति और विश्वास हो। क्या ऐसा क्या चीज चाह रहे हैं आप? इस स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं आते हैं, हम लोग को डॉक्टर अनिवार्य है, बिना डॉक्टर के। एनएम आती है आपके यहाँ? एनएम आती है? एनएम तो बराबर आती है, लेकिन एक बात है, एनएम की कमी है। एनएम कभी परगड़ी चली जाती है, कभी सुसनी चली जाती है, कभी कैरासोल वगैरह वगैरह, हर समय यहाँ पर नहीं रह पाती। एक एनएम है, एक एनएम के बिना हम लोग को थोड़ा असुविधा होता है, इसलिए एनएम भी चाहिए। और हमारे सेंटर खुलता है आपका? सेंटर प्रतिदिन खुलता है? प्रत्येक दिन खुलता है, मगर एनएम जहाँ उनका कॉल है वहाँ चली जाती है टीकाकरण या और भी कोई कुछ अन्य काम से। तो हमारे स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की कमी है, हम लोग को बीच बीच में कम से कम डॉक्टर आना चाहिए, अनिवार्य है। बिना डॉक्टर के बिना हम लोग को बहुत कष्ट होता है।